गाइस पहली बार तब पहला डेंट हमारी गाड़ी का। गलती भी नहीं है, अपनी अपनी गलती भी होती है ना गाइस। आज ये है कल्प्रिट, इसको निकाल देना गाइस। तो हम हो गए लेट, तुमने ये बोल दिया कि हाँ बता दिया मैंने। इस वजह से हम लोग लेट हुए क्योंकि हमारी गाड़ी पीछे से लग गई है थोड़ी सी। अब उसी टेंशन में हम बहुत लेट हो गए। जब आए थे मंदिर दर्शन करने तो वो तो करके जाएंगे। इस टाइम पे शाम की आरती तो होती है, अब क्या कर सकते हैं। आ तो हम टाइम से गए थे पर वहाँ टाइम भी तो लग ही गया। बाला सुंदरी जी का मंदिर और बाकी भी यहाँ पे काली माता, दुर्गा माता, गणेश भगवान। चलो चलते हैं आम पापड़ खाने। आम पापड़ जोर से। आम पापड़ के लिए तो मैं खटिया हंसती है मेरी। खट्टी चीजें जितनी भी है मेरे को बहुत पसंद है। आज भी हमने खट्टा खाया, मैंने और जीजू ने मिलकर। खट्टा हमारे खून में है। हम वो है ना, मामा भांजी है। इतने खोए खोए से क्यों हूँ तो मैं भी। इतने दुख के बाद एक बात तो है, चलो भी दर्शन हो गए जिस काम के लिए आए थे वो तो हो गए। हाँ चलो चलते हैं। इसमें हम चीनी लगा के भी खा सकते हैं। नहीं निकल जल्दी निकल, ये मेरे को लग रहा है सर जमना है। मीठे और खट्टे की शौकीन। चलो लड्डू लोगे? लड्डू आम पापड़ तो खा लिया। लड्डू क्या करना? लड्डू लेना? नहीं मैंने नहीं खाना, तुम खा लो। पक्का देखा जरा गप करके गई, गप कर गई, दिखाओ मुंह, ओपन योर माउथ, हा 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 करो। खा गई यार, कितनी हो खट्टे मीठे कितनी शौकीन होगी ना तुम आजकल। और देख बोलना भी नहीं जा रहा, खा लो पहले फिर बोलना। अब खाना नहीं खाना? ये हम हैं ऋषित द कैमरामैन के साथ। मेरी अब्सेंस में कैमरामैन ने यार न्यू कैमरामैन। ये क्या है, बेबी बंप आ गया? ओ बंदर है यार, तो मैंने खाने का सामान छुपाया हुआ। ये शादीशुदा है, ये शादीशुदा है। जीजू आप भी चलो थोड़ा आगे कर। साइड साइड में फाइनली इतनी मुशक्कत के बाद हम भी निकल गए हैं नाहन वापसी के लिए। और कुछ मनोरंजन वाली चीजें होएगी तो मैं आपको बताती रहूंगी, अपडेट देती रहूंगी, क्योंकि हमारे साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है गाइस। देखो भले चंगे जा रहे थे, हम निकल चुके थे 4 बजे और एस्टिमेट था 5 बजे तक मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे और 6-7 बजे तक घर भी आ जाएंगे वापस। और अभी 9 बजने वाले हैं क्योंकि हमारी गाड़ी में थोड़ी सी चोट लग गई थी, लेकिन थैंकफुली हम लोगों को कुछ नहीं हुआ, वो सबसे अच्छी चीज है। बाकी गाड़ी का भी इलाज करवाएंगे जल्दी। तो लो गाइस आपके लिए एक पेश है बढ़िया कंटेंट, तो सुलझाओ पापा की परी बेटे की जान। मेरे तो इतना हेयर फॉल है कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब मैं कॉम से भी परेशान हो जाती हूँ कि कॉम पे इतने बाल झड़ रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे सॉल्यूशन मिला है बी ब्लंट का हेयर फॉल कंट्रोल रेंज। नहाने से पहले हम यूज करेंगे हेयर फॉल कंट्रोल स्कैल्प हेयर टॉनिक। ये आपको सिंपली अपने बालों पर अप्लाई करना है और हल्के हाथों से मसाज कर लेना है ताकि अच्छे से स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाए। सबसे अच्छी बात, इसको दिन में किसी भी वक्त लगा सकते हैं। 10 मिनट के लिए इसको रहने दूंगी और उसके बाद मैं शैम्पू कर दूंगी। Now it's time to shampoo my hair with Bee Blunt Hair Fall Control Shampoo, जो हेयर फॉल को रिड्यूस करता है 93% तक। ये SLS और पैराबिन फ्री है, इसलिए हार्मफुल तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें शाइन टॉनिक है जो बालों को एकदम शाइनी बना देता है। ये आपको देगा सैलों जैसे बाल सिर्फ 399 रुपीज में। बालों को अच्छे से धोने के बाद मैंने यूज किया कंडीशनर जिसमें पी प्रोटीन और कैफीन है जो आपके बालों को अच्छे से नरिश करता है। सिर्फ 3 मिनट के लिए आपको इसे लगा के रखना है और बाल धो देने हैं। और अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरे टॉवल पे कितने बाल लगे हैं, साथ में चेक करते हैं। चलो देखो एक भी नहीं दिख रहा है। वाओ दिस इज सो अमेजिंग। एक ही वॉश से मेरे हेयर फॉल कंट्रोल हो गया, नहीं तो फ्लोर पे भी मेरे बाल इतने झड़े रहते थे ना, तो मुझे लगा था कि मैं गंजी हो जाऊंगी, लेकिन थैंक्स टू बी ब्लंट। तो अगर आप भी इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको इजीली मिल जाएंगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, टाइका और पर्पल पर और आपके आसपास किसी भी स्टोर पर। प्लस 20% का डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं जो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ, बी ब्लंट की ऐप या वेबसाइट पर। अभी मैं फटाफट से कोई ड्रेस सिलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि शाम को हम लोग डिनर पे जा रहे हैं, क्योंकि दीदी वगैरह अब चले जाएंगे तो हमको भी था कि यार थोड़े फेयरवेल से दे देते हैं, तो हम आज कहीं डिनर पे जाएंगे बाहर। ये शिवानी ने बना दिए भेल और फटाफट सबको रिप्रेजेंटिंग बातलिया बागल बागलिया बागलिया रिप्रेजेंटिंग बागलिया। इसमें चल चल के आवाज हो रही है, वो लड़की थी गाने लगी मुरब्बा 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 के फैन मेरे में तो मुरब्बा सोच के आ गया समय जान में जाना है, मिक्स करना है। मैं हुई हूँ रेडी, हम लोग जा रहे हैं डिनर पार्टी पे।
डिनर इसलिए क्योंकि जीजू भी आए हैं और दीदी के साथ तो हम गए थे, दीदी और बच्चे क्योंकि वो कल वो जा रहे हैं ना, कल जा भी रहे हैं, तो हमारी तरफ से फेयरवेल पार्टी उनके लिए हम थ्रो कर रहे हैं। और थोड़ी बहुत मैं और जीजू क्योंकि एक ही साइड के हैं तो हम लोग क्या कर रहे थे कि हम अपनी साइड के गाने गा रहे थे, तो मैं आपको भी थोड़ी मस्ती मजाक दिखाऊंगी अगर हम घर आके करते हैं या फिर हम जहाँ जा रहे हैं डिनर को वहीं पे हम थोड़ा बहुत करेंगे और अपनी भाषा में बात करें, क्योंकि आप हमेशा बोलते रहते हो आप अपनी भाषा में बात करना। तो शुभम और दीदी, मतलब शुभम और शुभम के दीदी बात करेंगे उनकी लैंग्वेज में, और मैं और मेरे मामू मतलब जीजू वो हम दोनों बात करेंगे अपनी वाली लैंग्वेज में, क्योंकि हमारी सेम है और इन दोनों की सेम है, तो हम दोनों टक्कर करेंगे पूरी। पीछे तो जाओ और अपनी नई ड्रेस तो दिखाओ थोड़ा सा। ये नई ड्रेस वैसे मैंने कुछ दिनों में दिखानी थी, पीछे करो जरा, कुछ दिनों में दिखानी थी नई ड्रेस, दिखानी थी मैंने कहीं जाना था शादी में तो फिर मैंने उसके लिए बचा के रखी थी ये ड्रेस अभी। नहीं तो चलो चलो वो लोग पहुंच गए नीचे और फिर हम बोलेंगे तुम लोग लेट कर रहे हो। तुम्हारी चुटकी में वो बात नहीं है शिवानी, बजी ना जोर से, देखते कौन सबसे जोर से बजाता है। चलो 1 2 3 सबसे स्टार्टर करते हैं। बातलियों में वो बात नहीं रही, बातली नहीं बागलियों में, बागलियों में हमारी तोहीन होगी। नेक्स्ट मैंने मैंने अपनी चुटकी मैं तो तू ये तो मिसफायर हो गया क्या मारी सच में जो भी हो अब नेक्स्ट नेक्स्ट चल कर 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 तेरे अब तेरी मम्मी की बारी, थोड़ी सी बात थी अब क्या अब नहीं ये हो गया तुम्हारी बारी पहले खत्म होगी वो वाली तो ऋषित बजा बेटा वो भी ऐसे अमेजिंग 1 2 3 अपनी भाषा में बात करेंगे हम लोग। और क्या बिलासपुर माखे हमारी माखे वाली है तुम्हारी है फिर तो मेरे साथ अभी चार है हम एक लैंग्वेज और अच्छा टीम दो वाली कम है हमारी सेंसी हम तो हाँ ऐसे दो आहे दी आहे दो नहीं आसे दो ऐसे दो आहे दो बहुत भारी है ना तू है दो नहीं आहे दो ये भी भारी है माइक ड्रॉप हम नहीं करते क्या परे क्या ओरे पोरे 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 ओरे पोरे जाने के सड़का हजार ये तो तुम्हारे ऊपर होना चाहिए था ओरे पोरे वो ओरे पोरे ओरे पोरे जाने के सड़का हजार के दिन लोल लगाने के गाड़ी आई थी वाह ये गाना है ओरे पोरे जाने के सड़का हजार मेरे को नहीं आ रही उतनी सुरीली चीजू ज्यादा अच्छा गाते हैं लोगों के सामने क्या है चांदनिया रात रा नजारा ओ चमको ऊंची नीची धारा रुतरा नजारा देखा हिमाचल प्यारा देखा रुतरा नजारा देखा हिमाचल प्यारा देखा सबनी ते न्यारा देखा ओ चांदनिया रात रा नजारा ओ चमको ऊंची नीची धारा ओरे पोरे जाने के
सड़का हजार की दिलड़ू लगाने के बढ़िया रिधारे की पोरे पोरे जाने के सड़का हजार थी दिलड़ू लगाने के बढ़िया रिधारे थी वो पल भर बड़ी लेना ओ पल भर बई लेना निचले दयारा हो चमको ऊंची नीचे धारा वाह वेरी गुड पशु करी रोटी दूर ते मैठी करी छोरी आखे गंगी गाणी अब गंगी पानी पी लेना क्या मरी डूने नियो पानी पी लेना क्या मरी डूने प्यागा मांगे स्वीट कौन यार तो बाकी हो जाएगा मेरे पास पशु हरी सेवा करी छोरिया के गंगी गानी वो सांझ के ले आई लेना सांझ के ले आई लेना छिड़िया रपरा चमको ऊंची नीचे धारा वाओ 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 ये बस बस ये ब्लॉग अगले हफ्ते डलेगा तो उस टाइम सब कितना भूखा जानवर है जितना भी खिलाओ ये तुम्हारा टिड देख के लगेगा फैमिली पैक है इतनी देर सांस मत रोको अंदर मैं 20 मिनट का वो न्यू नॉर्मल नहीं है ये कहाँ गया पेट नो पेट नो मनी नो हनी इतना खा लिया हमने और अब हम वॉक करके जा रहे हैं क्योंकि हमने पहले ही सोच लिया था कि हम खा तो ज़्यादा लेते ही है तो आएगा जब आएंगे भी वॉक करके और जाएंगे भी वॉक से क्योंकि पास में ही तो है इतना दूर तो गए नहीं थे सीधा सोना चाहती हूँ मैम Each and every second of our vacation, our little vacation. मुझे सोना है चलो ठीक है बाय बाय आराम से जाना पहुंच के फोन कर देना बाय गाड़ियाँ लड़कियाँ ड्राइव कर सकती है तो धो भी सकती है उसमें कोई शर्म थोड़ी है और अपना काम करने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता करो फिर गुड तो दीदी और ही गए उसके बाद हमारा ऐसे हो गया कि ऊपर जाने का मन ही नहीं किया तो हमने सोचा गाड़ी धो लेते हैं तो हम एक बकेट पानी से बस ऐसे ऐसे पोछा सा मारे गाड़ी में उसका कवर लगा के रख देंगे इसको क्योंकि यहाँ पता नहीं कौन हमारी गाड़ी में स्क्रैचेस लगा रहा है पीछे जो टोयोटा का सिंबल है उसके पास भी नई गाड़ी में आज स्क्रैचेस लग गए चलो लगी है वो तो अलग बात है टेम्पो से जो लगी है वो अलग चीज़ है लेकिन उससे पहले से स्क्रैचेस लग गया है कि बच्चे बच्चे ने लगा दिए तो हमने सोचा कवर ही करके रख देंगे